भैया, लैंस मेकर फॉर्मूले को आप लोगों ने किया था, समझ में आ गया नहीं सबको? लैंस मेकर फॉर्मूला, लैंस मेकर फॉर्मूला सबको समझ में आ गया था? ठीक है, लैंस मेकर फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में किया था और मेरे हिसाब से तो आसान टॉपिक था, समझ में आ जाना चाहिए सबको। ठीक है चलो, ठीक है। तो भैया देखिए, आज लैंस मेकर फॉर्मूले को एक बार मैं थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ ताकि कई बच्चों का ऐसा होगा, ठीक है, केवल फॉर्मूला लिख के, ठीक है भैया, केवल फॉर्मूला लिख के मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि बच्चों को याद आ जाए, ठीक है भैया। तो मैंने बताया था जो लैंस मेकर फॉर्मूले का रिजल्ट है 1 / में f = ma, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में आपका लेंस रखा हुआ है, यहाँ पर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है जिस मीडियम में आपका लेंस रखा होता है, -1, और ये होता भी है 1 / में r - 1 / में r, r1 - 1 / में r2, r2 r1 क्या है, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट फेज, रेडियस ऑफ फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज पहले वाले फेज की रेडियस है ना, r2 क्या है, रेडियस ऑफ सेकंड फेज, रेडियस ऑफ सेकंड फेज दूसरे वाले फेज की आपकी रेडियस है, ठीक है भैया। अब देखिए भैया, ये हमने लेंस फॉर्मूला कल ड्राइव किया था, यहाँ पर ध्यान होगा हमेशा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेंस का आएगा और यहाँ पर हमेशा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका आएगा भैया, जिस मीडियम में आपका लेंस रखा हुआ है। अगर लेंस एयर में रखा है तो यहाँ पर एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आएगा, लेंस अगर लिक्विड में रखा हुआ है तो यहाँ पर लिक्विड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आएगा, ठीक है भैया। आगे बात करते हैं भैया, ठीक है, तो भैया इसमें कुछ साइन कन्वेंशन थे रेडियस के लिए, तो मैं बता रहा हूँ साइन कन्वेंशन, जैसे मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, क्या ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस में जो आपका इस वाले फेस का, ये वाला फेस देख लो ना, फर्स्ट फेस कहते हैं इसको, इस फर्स्ट फेस का जो सर्कल बनता है वो राइट साइड में बनता है, फर्स्ट फेस का सर्कल जो होता है वो राइट साइड में बनता है, इसलिए फर्स्ट फेस की रेडियस जो होती है आर वन वो होती है भैया आपकी पॉजिटिव, ठीक है भैया। और जो सेकेंड फेस होता है जो की ये होता है, इसका सर्कल बनता है लेफ्ट साइड में, ठीक है भैया, इस फेस का जो सर्कल बनता है वो बनता है बच्चा आपका लेफ्ट साइड में, और ये लेफ्ट साइड होने की वजह से आर टू क्या हो जाती है आपकी नेगेटिव, ठीक है भैया। तो पहले फेस की रेडियस कन्वेक्स लेंस में क्या होती है पॉजिटिव, और दूसरे फेस की रेडियस जो होती है आपकी नेगेटिव होती है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, ठीक है भैया, कॉन्वेक्स के केस में, ठीक है बच्चा। और अगर मैं बात करूं कॉनकेव के केस में, तो कॉनकेव के केस में देखिए भैया, ये आपका कॉनकेव लेंस है, ठीक है भैया, और हम देख रहे हैं कॉनकेव लेंस जो है आपका, उसका जो सर्कल बन रहा है वो लेफ्ट साइड, पहले फेस का जो सर्कल है वो लेफ्ट साइड में बन रहा है, और जब पहले फेस का सर्कल लेफ्ट साइड में बन रहा है तो ये क्या आर वन आपका क्या हो गया आपका नेगेटिव, और दूसरे वाले फेस का जो सर्कल बन रहा है वो राइट साइड में बन रहा है, यानी इसका रेडियस क्या होगा आर टू, ये होगा आपका पॉजिटिव। बेटा यही सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, सारे लेंस मेकर से फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं सब आप आसानी से कर लोगे, ठीक है बच्चा। क्या कह रहा है एक बार दोबारा रिपीट करिए, मैसेज दोबारा करिए भैया, धुंधला है बहुत, हाँ धुंधला मुझे भी लग रहा है, एक मिनट जरा, अभी धुंधला है, अभी धुंधला है थोड़ा, स्क्रीन क्लियर आ रही है भैया, क्लियर तो है स्क्रीन, ठीक है बच्चा, किसको किसको क्लियर है जो मैंने बताया, चलो मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूँ, शायद डार्क नहीं हुई, ठीक है, इस वजह से भी कोई कमी नहीं, ठीक है, किसको किसको क्लियर है बेटा जो मैंने बता दिया, फटाफट जल्दी से हाथ खड़ा कर लीजिए, जल्दी से फटाफट सटासट, ठीक है भैया। ये कंसेप्ट है कि आप किसी भी लेंस मेकर फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन जो करोगे तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, और ये चीज अगर आपको ध्यान है तो आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर लोगे, ठीक है भैया। बात करता हूँ भैया न्यूमेरिकल्स की, तो भैया न्यूमेरिकल चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो पहला आपका क्वेश्चन है, ठीक है भैया, मैं बेसिक सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ पहले, ठीक है भैया, तो कह रहा है भैया कॉन्वेक्स लेंस है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस है आपका, ठीक है भैया, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसका पहला रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर है जो कि कॉन्वेक्स है, तो इसलिए पहला रेडियस क्या होगा आपका 10 10 होगा, जो दूसरा रेडियस है इस कॉन्वेक्स का वो भैया 20 सेंटीमीटर है, लेकिन आपको पता कॉन्वेक्स है दूसरा रेडियस है तो क्या हो भैया नेगेटिव होगा, ठीक है भैया। कह रहा है इस लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है भैया आपका
1.5 है, ये एल है, ठीक है, और जहां पर रखा गया वो एयर है, जहां पर रखा गया वो एयर है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो या नहीं दिया हो आपको ध्यान रखना चाहिए भैया, वन होगा, ठीक है भैया। तो कह रहे व्हाट इज दी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होगी, दूसरा इस लेंस की पावर क्या होगी, ठीक है भैया। तो इस लेंस की पावर निकालनी है, फोकल लेंथ दोनों निकालनी है, ठीक है यार, सही तो आ रही है, ये वीडियो तो क्लियर है जगत, वीडियो क्लियर है बेटा, ठीक है, ठीक है, आप देखिए भैया। तो चलो कोई बात नहीं, तो देख ले, ट्राई कर लेंगे, अपनी लोकेशन चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो भैया जैसे कि हमें पता फोकल लेंथ क्या होती है भैया, तो आपको बताया था भैया लेंस का मीडियम, लेंस जिस मीडियम में रखा हुआ है, लेंस का मीडियम, लेंस जिस मीडियम में रखा, किस मीडियम में रखा भैया, एयर में रखा, तो नीचे एयर रखना है माइनस वन, और यहाँ पर क्या हो गया वन बाय में आर वन माइनस वन बाय में आर टू, ठीक है भैया, ये हो गया आपका। तो वन बाय में फोकल लेंथ क्या हो गया, लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या रखा बेटा 1.5, यहाँ पे लिख दीजिए 1.5, एयर अगर नीचे एयर है तो लिखा दीजिए 1 माइनस 1, और आपको पता है भैया आर वन की वैल्यू क्या रखी है, तो +10, तो +10 लगाइए, और आर टू की वैल्यू क्या -20, तो माइनस तो ऑलरेडी यहाँ पर है, इसका माइनस और इसका माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस हो जाएंगे, भैया आपका 1 बाय में f equals to में इसको माइनस करो तो 0.5 आएगा, ठीक है, अरे यार ये तो नीचे चला गया सॉरी, ठीक है, इसको आप फर्दर सिंपलीफाई करोगे तो ये जो होगा 1 बाय में f equals to में क्या आ जाएगा बेटा 0.5, और ये क्या होगा भैया आपका, तो ऊपर क्या होगा 30 और नीचे क्या होगा 200, ठीक है भैया, इसको सॉल्व कीजिए, आपका फोकल लेंथ आ गया। जब आपका फोकल लेंथ आ जाएगा बच्चे ध्यान रखना, यहां से जब आपका फोकल लेंथ आ जाएगा तो आप उस फोकल लेंथ का यूज करते हुए पावर को निकाल सकते हो। तो आप जानते हो भैया पावर क्या होता है, 1 बाय में फोकल लेंथ, तो यहाँ पर आप फोकल लेंथ की जो वैल्यू आई है यहाँ पर 1 को डिवाइड कर दोगे तो आपका पावर आ जाएगा बेटा। क्लियर है सबको, क्वेश्चन क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है भैया सबको, जल्दी बताओ, हाथ खड़ा कर लो फटाफट, ठीक है। खैर न्याय की घटिया और आसान टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया और अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9.8, ठीक है भैया, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 9.8 कर रहे जा रहे हैं, ये आसान क्वेश्चन है इनका, एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 9.8। हाँ, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 9.8, लेंस की फोकल लेंथ है भैया 0.5 मीटर, ठीक है भैया, कह रहा है पावर निकालो, तो पावर तो सब जानते हो 1 बाय में f यानी 0.5, इसको कर दीजिए तो भैया क्या 10/5 यानी 2 आया, 2 डायोप्टर, ठीक है भैया, डायोप्टर इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर की एसआई यूनिट होती है डायोप्टर, ठीक है भैया। तो पहला पार्ट हो गया, दूसरे पार्ट में कह रहा भैया कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस आर, मतलब कह रहा भैया कन्वेक्स लेंस की पहली रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या भैया +10 सेंटीमीटर और दूसरी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या भैया -15 सेंटीमीटर, ये दे रखा है, ठीक है भैया, -15 तो इनके रखा है, लेकिन हमें जान हम जानते हैं भैया कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस का पहला रेडियस क्या होता है प्लस होता है, दूसरा रेडियस क्या होता है भैया आपका माइनस होता है, ठीक है, आगे बढ़ते भैया। उसके बाद कह रहे भैया इसकी फोकल लेंथ एयर के अंदर, जब ये एयर के अंदर रखा हुआ था लेंथ, तो इसकी फोकल लेंथ आपकी 12 सेंटीमीटर, ठीक है भैया 12 सेंटीमीटर। कह रहा व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो हमें कह रहा भैया जिस ग्लास का यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पूछ रखा है, तो भैया न्याय की आसान क्वेश्चन है, कौन कौन कर लेगा बेटा इस क्वेश्चन को, कौन कौन कर लेगा जल्दी हाथ लगा दीजिए, कौन कौन कर लेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है भैया, बड़ा ही सॉफ्ट क्वेश्चन है, ठीक है भैया। देखिए आपको पता है फोकल लेंथ ऑफ लेंस की एयर की मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब लेंस एयर के अंदर रखा हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर -1 और 1 बाय में पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर और दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो लेंथ रखी आपको 12 सेंटीमीटर, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है, एयर का 1 होता है -1 और ये देखिए भैया
रेडियस पहली दे रखी है आपको प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 रख दीजिए, माइनस देखिए माइनस 15 है उस माइनस ने इसको क्या किया प्लस कर दिया, आप एलसीएम लोगे तो ये क्या होगा 12 और इसको आगे सॉरी इधर जगह नहीं मुझे ठीक हो गया 1/12 और इसको देखिए भैया तो म्यू लेंथ माइनस 1 और यहाँ पे क्या हो गया इसको जो सॉल्व करोगे तो उसको सॉल्व करके आएगा 1/6 ठीक है भैया 1/6 आया तो ये कट गया दो बार गया ठीक है भैया। इसको कटने के बाद आपका दो बचा 1/2 बचा इधर ठीक है भैया और म्यू लेंस माइनस 1 तो इधर आएगा म्यू लेंस बराबर में क्या हुआ हाफ प्लस 1 यानी कि 3/2 बराबर में 1.5 आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस आ गया। बेटा क्लियर है सबको क्वेश्चन, किसको किसको क्लियर है? आर टू को माइनस में इसलिए लेते, दोबारा रिपीट करो भैया आर टू को देखिए जब भी मैं कन्वेक्स लेंस देखता हूँ तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है जो पहला फेज होता है ये पहला फेज है तो इसका सर्कल बनता है राइट साइड में इसलिए क्या होता है इसकी जो रेडियस होती है वो क्या होती है भैया पॉजिटिव होती है। जो दूसरा फेज है उसका सर्कल बनता है लेफ्ट साइड में और इसकी रेडियस क्या होती है जो लेफ्ट में इस फेज का सर्कल बनता है लेफ्ट साइड में तो उसकी रेडियस क्या होगी भैया आर टू नेगेटिव होगी ठीक है भैया तो आर वन पॉजिटिव आर टू नेगेटिव। बेटा क्लियर है अभी क्लियर है क्वेश्चन सबको हाथ लगा लीजिए ठीक है भैया। चलो फिर इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है देखिए भैया थर्ड पार्ट ठीक है थर्ड पार्ट ही एक नई चीज लेके आ रहा है अपने साथ थर्ड पार्ट जो है वो एक नई चीज लेके आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा पहला और दूसरा पार्ट को आसान कर ठीक है भैया थर्ड पार्ट कर रहे हैं तो थर्ड पार्ट आपका नई चीज लेके आ रहा है देखते हैं कैसे करेंगे भैया थर्ड पार्ट को। तो कह रहा है भैया तीसरे पार्ट में कह रहा है कि एक दूसरा लेंस लिया ध्यान दीजिए भैया एक दूसरा लेंस लिया और उस लेंस की जो फोकल लेंथ एयर में है थर्ड पार्ट कर रहे हैं ठीक है कह रहा है उस लेंस का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा है वो है भैया आपका 1.5 ठीक है भैया हाँ तो कह रहा है भैया जो लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है लेंस का वो दे रखा है 1.5 ठीक है भैया। जब ये लेंस एयर के अंदर रखा जाता है तो फोकल लेंथ हमें मिलती है भैया 20 सेंटीमीटर 20 दे रखा है कितना रखा है हाँ 20 सेंटीमीटर मिलती है ठीक है। इस लेंस को जब हम एयर में रखते हैं तो जो आपको फोकस मिलता है फोकल लेंथ मिलती है वो आपको 20 सेंटीमीटर मिलती है ठीक है। कह रहा है अगर हम इसी लेंस को लिक्विड में रख देंगे वाटर में रख देंगे वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रखा आपको 1.3 तो कह रहा है भैया वाटर के अंदर फोकल लेंथ की वैल्यू बताइए। इस लेंस को जब एयर के अंदर रखा तो 20 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ आई, इसी लेंस को जब मैं वाटर के अंदर रखूंगा तो बताइए कि फोकल लेंथ क्या होगी। तो भैया एक बात बता दूं भैया आप अलग अलग मीडियम में जब लेंस को रखोगे तो आपको पता भैया जो उसका रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है लेंस का जो रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा लगातार चेंज होता रहेगा। जहां पर आपका लेंस का रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा वहां पर फोकस बढ़ जाएगा पावर कम हो जाएगी ये आगे पता लग जाएगा कैसे और क्यों ठीक है भैया। और जहां पर रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है तो रे जल्दी से मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं आती वो बहुत दूर तक जाती है तब जाकर प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलेगी यानी उसका फोकस काफी ज्यादा हो जाता है ठीक है भैया। खैर ये भी ऐसे बता रहा हूं मैं आपको आगे आपको पता लग जाएगा ऐसा क्यों होता है ठीक है भैया। क्वेश्चन में बोल रहा है लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इतना है एयर के अंदर उसकी फोकल लेंथ इतनी रखी है अगर वाटर के अंदर उसको रख दिया जाए तो उसके वाटर के अंदर फोकल लेंथ क्या होगी ठीक है भैया। बड़ा ही सिंपल और सुलझा हुआ क्वेश्चन है कुछ नहीं करना है इसमें देखिए भैया पहले हम इसको रखते हैं एयर में ठीक है भैया। तो फोकल लेंथ एयर क्या हो गया रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस जो कि लेंस का तो हमेशा ऊपर आता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर माइनस 1। और आपको एक बात बता दूं भैया क्या कभी मैं किसी लेंस को अलग अलग मीडियम ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूँ अगर मैं किसी लेंस को लूं और उसको अलग अलग मीडियम में रखूं तो क्या उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सॉरी अगर मैं किसी लेंस को लूं और उसको अलग अलग मीडियम में रखूं तो क्या उसकी शेप और साइज में किसी प्रकार का कोई चेंज आता है। अगर मैं किसी लेंस को लूं और उसको अलग अलग मीडियम में रखूं तो क्या उसकी शेप और साइज में कोई चेंज आता है तो बिल्कुल नहीं आता भैया ध्यान रखना। चेंज कहां पे आता है केवल रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में रेडियस उसकी हमेशा क्या होती भैया एक जैसी रहती है। R1 R2 की वैल्यू क्या होती भैया एक पर्टिकुलर लेंस के लिए चाहे किसी भी मीडियम में आप रख दीजिए इस बात को ध्यान रखना कि उसका R1 R2 हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा केवल क्या चेंज होगा उसका रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो भैया देखिए भैया जो R1 माइनस R2 करते हो भैया वो हम ले लेते हैं कॉन्स्टेंट क्या लेते हैं भैया कॉन्स्टेंट
इसको हमने क्या ले लिया, कॉन्स्टेंट ले लिया, चलो के लिख देता हूँ, ले लिया कॉन्स्टेंट के, ये क्या कॉन्स्टेंट इसलिए लिया क्योंकि किसी पर्टिकुलर लेंस के लिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। ये ध्यान रखना, जहां पर आपको नहीं दिया हुआ तो समझ जाना कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, मुझे यूज करनी है। यहां पर मुझे इस लेंस के केवल फोकल लेंथ दे रखी है, रिफ्रैक्टिव लेंस दे रखा है और बाकी इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में नहीं रखा, तो इसलिए हमें यहां पे जो 1 / r1 - 1 / r2 लिखते थे उसकी जगह पे हमने क्या लिख यूज कर दिया, क्या यूज कर लिया, इसे कहते हैं लेंस कांस्टेंट। लेंस कांस्टेंट किसी भी लेंस के लिए ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ये वाली वैल्यू कभी वैरी नहीं करती है। भैया ये तो था एयर के अंदर, तो इसकी वैल्यू सारी पुट कर देते हैं, तो एयर के अंदर फोकल लेंथ रखिए 20, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस कितना रखा भैया, तो 1.5, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है माइनस 1 इनटू में के, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है भैया। अब बात करते चलो उसी लेंस को ले जाते हैं वाटर के अंदर, मान ले जाते भैया वाटर के अंदर, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर इक्वल्स मीटर हो गया, लेंस आएगा नीचे हमेशा क्या आता है दूसरा मीडियम, ऊपर हमेशा लेंस आता है माइनस वन, और आपको पता भैया के तो वही रहेगा क्योंकि लेंस हमने नहीं चेंज किया, हमने चेंज किया केवल उसका मीडियम, ठीक है भैया। तो ये हमें निकालना है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है, वाटर का 1.3 दे रखा है, 3 माइनस 1 अपॉन में के, ठीक है भैया। ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है भैया सेकेंड इक्वेशन। पहली और दूसरी दोनों इक्वेशन को डिवाइड कीजिए और डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, ये क्या दोनों को डिवाइड करोगे तो बाकी ये के से के क्या हुआ कैंसिल हो गया, आपका आएगा 1 / 20, ये डिवाइड में आएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हुआ फोकस लेंथ इन वाटर आ जाएगा, ये क्या इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो गया 0.5 आएगा आपका, और ये वाला जब डिवाइड में आएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1.33 1.5 माइनस 1.33, ठीक है भैया। मैंने डायरेक्ट एलसीएम लिया है और सीधा कर दिया, ठीक है जस्ट आपकी कैलकुलेशन है, और यहाँ से आप इसको सॉल्व करके फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर निकाल लोगे, ठीक है भैया। इसको सिंपलीफाई करके आप फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन वाटर निकाल लोगे। बेटा क्लियर है सबको, किसको किसको क्लियर है क्वेश्चन जल्दी बता दो, क्लियर है बच्चा। हाँ ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, या फिर एक काम और कर सकते हो कि यहां से के की वैल्यू निकाल लो और उस के की वैल्यू को यहां पुट कर दो, यहां से के की वैल्यू निकल आएगी ना, देखो इसको सॉल्व करोगे के की वैल्यू क्या है यहाँ पे के इक्वल्स टू 1/10 है यहाँ पे, ठीक है जैसे सॉल्व करोगे तो के इक्वल्स टू 1/10, इस के की वैल्यू को यहाँ पे रखोगे और सॉल्व करोगे तो फोकल लेंथ इन वाटर आपको ऑलरेडी आ जाएगा। अभी कर लोगे बच्चे सारे बच्चे ये क्वेश्चन जल्दी बताओ फटाफट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए भैया, एनसीईआरटी का मेन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है भैया ये आसान ही है भी, 9.4 एनसीईआरटी का मेन एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ठीक है 9.4, ठीक है मिटा रहा मैं इसको। ठीक है एनसीईआरटी का मेन एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ठीक है भैया 9.4 है क्वेश्चन, कह रहा भैया बाई इक्वी कन्वेक्स लेंस है, इक्वी कन्वेक्स लेंस मतलब कि उसकी दोनों साइड की रेडियस r1 और r2 दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है कि r1 और r2 दोनों क्या भैया बराबर है इक्वी कन्वेक्स है, लेकिन आपको पता है भैया r1 कन्वेक्स लेंस है तो ये r क्या होगा पॉजिटिव होगा और r2 क्या होगा भैया आपका माइनस r होगा। कह रहा भैया इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 1.55 दे रखा है, ठीक है भैया, और फोकल लेंथ लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा आपको 1.55, फोकल लेंथ रखी है एयर के अंदर 20 सेंटीमीटर दे रखी है, कह रहा भैया बताइए कि आर की वैल्यू क्या है, ठीक है भैया बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, सुलझा हुआ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है भैया। तो चलो देखते हैं भैया, फोकल लेंथ इन एयर इक्वल्स टू म्यू लेंस, पता है सबको नीचे क्या आएगा एयर के अंदर रखा है तो एयर रखा है माइनस 1 अपॉन में 1 / आर 1 माइनस 1 / आर, ठीक है भैया। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर कितने रखा है भैया 20, और ये क्या म्यू लेंस, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रखा है भैया आपको पता है भैया 1.55, एयर का 1 होता है माइनस 1
और रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे कि आपको पता है आर वन और आर टू दोनों ही बराबर है, लेकिन आर वन क्या होगा आपका प्लस आर होगा एज्यूम किया है, और आर टू क्या होगा आपका माइनस आर, तो इसकी वजह से क्या होगा प्लस आर हो जाएगा। तो 1/20 इक्वल्स टू में इसको सॉल्व करोगे तो 0.55 आएगा आपका, ठीक है भैया, 2/r हो गया। तो बच्चा इसको हमने आगे सॉल्व किया, तो सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू आएगी आपकी 22 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। ये हो गया आपका क्वेश्चन, बेटा क्लियर है, किसको किसको क्लियर है क्वेश्चन जल्दी बता दो, फटाफट हाथ खड़ा कर लो, टाइम नहीं है। सारे बच्चों का हाथ नहीं खड़ा रहा, इसका मतलब सबको क्लियर नहीं है, कुछ ही बच्चों को क्लियर है। भाई हाथ मत खड़ा कर लिया करो, एक बंदा चिल्ला रहा है, कम से कम उस पर दया तो कर लिया करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते भैया, मिटो मैं इसको, ठीक है भैया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर जल्दी, अगर आपको दूसरा क्वेश्चन देना तो एडिशनल का क्वेश्चन जाना पड़ेगा, और वो एडिशनल क्वेश्चन अभी आपको नहीं, एक दो क्लास के बाद फिर कराऊंगा, काफी लेंथी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। आगे बढ़ते भैया, पहले कंसेप्ट करते हैं, कंसेप्ट, ठीक है भैया। कंसेप्ट क्या है भैया, देखिए अगर मैं किसी भी लेंस को ऐसे मीडियम में रखूं जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उस लेंस से ज्यादा, दोबारा सुन लीजिए इस बात को, कि अगर मैं किसी भी लेंस को एक ऐसे मीडियम में रखूं जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उस लेंस से ज्यादा है, तो लेंस अपनी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, चेंज कर देगा। अगर वो कन्वेक्स है तो कंकेव की तरह बिहेव करेगा, कंकेव है तो कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी लेंस को एक ऐसे मीडियम में रख दिया जाए जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उस मीडियम, सॉरी जिस उस लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उस मीडियम के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से अगर कम है, तो इसका मतलब यह होगा कि भैया लेंस अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा। कैसे चेंज करता है, क्यों चेंज करता है, तो बड़ा ही सिंपल लॉजिक है, आपको ये पता है, सबको ही पता होगा कि भैया जब लाइट रेयर से डेंसर पे जाती है, भैया जब लाइट आपका, हाँ बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है, जब लाइट आपकी रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बैठ जाती है, और जब लाइट आपकी डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है, सबको ही पता होगा, ये नॉर्मल सी बात है, छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी जो है उसी पे बेस्ड हम देखेंगे कि भैया किसी ऐसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के अंदर, हम मीडियम के अंदर हम अगर लेंस को रख देते जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उससे ज्यादा है लेंस से ज्यादा, तो लेंस अपनी प्रॉपर्टी को कैसे चेंज करते, चलो देखते हैं, ठीक है। कंसेप्ट अच्छा कंसेप्ट है, इस पर कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं या फिर कई सारे लॉजिकल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, पहला मैंने म्यू वन लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और एक है भैया मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। मैंने कहा भैया लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, पहला केस लिया कि लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से क्या भैया ज्यादा है, तो भैया एक कॉन्वेक्स बनाया और साथ में ही मैंने क्या बना दिया, कॉनकेव बना दिया, ठीक है भैया। अब देखिए भैया मैं लाइट ले गई, लाइट ली आपकी सीधी सीधी लाइट चलेगी, ठीक है भैया, ये आपके इंसिडेंट है, इस वाले फेस पे रिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा, किसी काम का नहीं होता, ठीक है भैया। आपको पता है इस वाले फेस का सर्कल इधर बन रहा है, तो नॉर्मल आप कैसे खींचेंगे, ठीक है भैया, ये नॉर्मल खींचेंगे, भैया इस वाले फेस का सर्कल इधर बन रहा है तो नॉर्मल कैसे खींचेंगे, ठीक है भैया। अब लाइट आ रही है, आपको पता है लेंस ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला है, यानी क्या डेंसर, और मीडियम क्या है जिस मीडियम में जा रहा है वो कम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला है, यानी क्या भैया बाहर क्या रेयर एंड मीडियम, बेटा क्लियर है, याद है क्लियर है। अब आपको पता है भैया की लाइट जा रही है डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर, तो लाइट जो है भैया नॉर्मल से, ये नॉर्मल है आपको, ये भी नॉर्मल है, तो लाइट जब डेंसर से रेयर जाती है नॉर्मल से दूर हटी जाती है, देखो दूर हटगी ये वाली लाइट नॉर्मल से दूर हटगी, बिल्कुल से नीचे भी ऐसा होता है, तो लेंस ने अपनी प्रॉपर्टी को भी चेंज नहीं किया है, ये कन्वर्जिंग लेंस था, अभी भी कन्वर्जिंग ही है, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, अगला लिखते हैं इस वाले के साथ, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सेम हुआ, ठीक है भैया। आपको पता है ये डाइवर्जिंग लेंस है जिसे कंकेव कहते हैं, आपको पता है इसका सर्कल इधर बन रहा है, इसका सर्कल इधर बन रहा है, उसका जो नॉर्मल खींचेगा वो कुछ इस तरीके से खींचेगा, इस वाले फेस का नॉर्मल और इस वाले फेस का नॉर्मल। अब आपको पता है ये लाइट आपकी कहाँ जा रही है भैया, ये क्या है भैया डेंसर मीडियम, और कहाँ जा रही है रेयर, तो आपको पता है लाइट जब डेंसर से रेयर जाती है नॉर्मल से क्या दूर हट जाएगी, तो यहाँ पर भी नॉर्मल से क्या आपकी दूर हट गई, और ये क्या अभी भी अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है भैया। बच्चा फोटो लीजिए इसकी, ये क्लियर है सबको, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ठीक है भैया। तो जब भी लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा तो अपनी प्रॉपर्टी में ही रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इसको, मिटा रहा हूं। अब हमने क्या करते भैया, मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया, जिस मीडियम में लेंस रखा उसका ज्यादा हो गया,
और लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो गया आपका कम हो गया, सेकंड केस है। अब लाइट आपकी आ रही है यानी ये लाइट आ रही है आपकी नॉर्मल एरा, ठीक है। अभी ये मीडियम क्या हो गया रेयर, लेंस का मीट होती लेंस का रिफ्लेक्टिवनेस कम हो गया और जिस मीडियम में रखा उसको ज्यादा है, तो आपको पता ये रेयर बन गया और बाहर का बन गया डेंसर, ठीक है भैया। अब लाइट कहां जा रही है रेयर से डेंसर, कहां जा रही है ना रेयर से डेंसर, और जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो लाइट क्या करती है नॉर्मल की तरफ बैंड आएगी, ये जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, यहां पर भी नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, और ये क्या हो गया यहाँ पर कन्वेक्स लेंस कैसा बीम कर रहा है डाइवर्जिंग लेंस की तरह, यहाँ पे कैसा बीम कर रही है डाइवर्जिंग लेंस की तरह। चलो इसकी बात करते हैं, तो भैया आपको पता है इसका नॉर्मल ईयर है, इसका फिर इसका नॉर्मल ईयर है, लाइट जा रही है ये डेंसर से रेयर में, डेंसर से रेयर में, तो भैया आपको पता है डेंसर से जब सॉरी रेयर है ये रेयर बना के इसको डेंसर किया था ना, तो लाइट जब डेंसर रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बैंड आएगी, यानी नॉर्मल ईयर था तो उसकी तरफ बैंड होगी और ये लाइट क्या होगी इसकी तरफ बैंड होगी, तो ये क्या बन गया भैया कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग बन गया कन्वर्जिंग और कन्वर्जिंग बन गया डाइवर्जिंग। बड़ा क्लियर है चीज, किसको किसको क्लियर है, मैं पीछे वाले फेस पे नहीं कर रहा सामने वाले फेस पे कर रहा हूं, वहां से ज्यादा सही रहता है। किसको किसको क्लियर है भैया, लेंस की प्रॉपर्टी चेंज होगी यहाँ पे, लेंस चेंज इट्स प्रॉपर्टी, यहां पे लिख देना भैया लेंस चेंज इट्स प्रॉपर्टी, लेंस अपनी प्रॉपर्टी को क्या करेगा इस केस में चेंज कर देगा। अच्छा क्लियर है सबको बताइए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मिटो रहा हूं भैया मैं इसको, ठीक है। अब देखिए भैया दोनों मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम कर दिया मैंने, ठीक है भैया दोनों मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम कर दिया, तो आपको पता है भैया अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है दो मीडियम का तो लाइट अपने पाथ को कभी चेंज नहीं करती, जितने एंगल से यहां पर आ रही है उतना एंगल बाहर भी रहेगा, यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल हमेशा क्या रहेगा, ये वाला एंगल इसके बराबर रहेगा, ये वाला एंगल इसके बराबर रहेगा, लाइट का भी सीधी निकल जाएगी बिल्कुल सेम। यहाँ पर भी होता है कि ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर रहेगा, क्योंकि दोनों मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या क्या सेम प्रूफ कर दिया यहाँ पर दोनों का, देखिए लाइट सीधी सीधी आपकी बाहर निकल चुकी है, ठीक है। इस केस में किसी प्रकार का ना तो कन्वर्जन हुआ है ना ही डाइवर्जन हुआ, मतलब कोई लेंस नहीं, नॉर्मल क्या गया नॉर्मली जैसे आप कोई सरफेस होती है सीधी निकल जाएगी, ठीक है भैया कोई मीडियम में चेंज नहीं आया, इसलिए भैया लाइट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो भैया इस केस में ऐसा होता है थर्ड केस में, ठीक है भैया। क्लियर अच्छा जल्दी बताओ, हाथ खड़े कर लो भैया, किसको किसको क्लियर है कंसेप्ट जल्दी बता दो भैया, सारी चीजें किसको किसको क्लियर थी, तो पता लग गया होगा भैया कोई लेंस कब तक कन्वेक्स की तरह बिहेव करता है, कब तक कनकेव की तरह बिहेव करता है, आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है भैया। अब आगे बढ़ते हैं भैया, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है आपको मुझसे करना है क्वेश्चन, ठीक है मिटो रहा हूँ इसको, मिटो दू अच्छा मिटो दू चलो ठीक है, तो शायद चलो देखिए भैया क्या कह रहा है क्वेश्चन, बड़ा ही आसान और नहायत ही घटिया टाइप का क्वेश्चन है वाला, ठीक है बता दे रहा हूँ भैया मैं, ठीक है कह रहा भैया कि कोई लेंस है जिसका वाटर के अंदर जो फोकल लेंथ आ रही है 20 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है भैया वाटर के अंदर इसकी फोकल लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर, बता दूं वाटर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 होता है या 4/3 होता है, ठीक है वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है भैया। कह रहा भैया इस लेंस की फोकल लेंथ निकालिए एक लिक्विड एक्स के अंदर जिसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है लिक्विड एक्स का वो है भैया 1.75, ठीक है भैया 1.75 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा है उसका, ठीक है भैया उस लिक्विड का पहले वाटर के अंदर रखा था तो आपको इतना फोकल लेंथ मिली उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इतना है, हमें एक लिक्विड एक्स के अंदर निकालना है फोकल लेंथ जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको इतना रखा है। एक बात और बोल रखी है इसमें कि ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा भैया व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ बिहेवियर ऑफ लेंस, लेंस का बिहेवियर कैसा होगा इस लिक्विड के अंदर, लेंस का कैसा बिहेवियर होगा, तो भैया एक बात ध्यान रखना अगर आपकी जो फोकल लेंथ आ रही है अगर ये फोकल लेंथ क्या आ जाए भैया पॉजिटिव आ जाए, अगर इस फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो इसका बिहेवियर होगा कॉन्वेक्स की तरह कन्वर्जिंग लेंस की तरह, अगर इस फोकल लेंथ की वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव आ जाए तो इस लेंस का बिहेवियर होगा कॉनकेव की या डाइवर्जिंग लेंस की तरह। बेटा क्लियर है बच्चा, क्लियर है चीज, कौन कौन कर लेगा क्वेश्चन जल्दी बता दो, हाथ खड़े कर लो।
कौन कौन कर लेगा भैया? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताओ मैं करा दूं? चलो मैं करा देता हूँ, ठीक है, इसे 2 मिनट के अंदर करा देता हूँ मैं इसको सॉल्व, ठीक है। चलो मिटो बेटा क्वेश्चन की फोटो ले लीजिए बारी, ठीक है। चलो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो भैया देखिए पहली जो इक्वेशन बन रही है बहुत आसान है, फोकल लेंथ ऑफ वाटर के अंदर निकालना है, तो क्या हुआ, लेंस अपॉन में वाटर माइनस वन, और क्या हुआ लेंस कॉन्स्टेंट, लेंस कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या भैया, ठीक है, आसान के ले लिया मैंने, फोकल लेंथ ऑफ वाटर कितना रखा 20 रखा, लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना भैया 1.5 होता है, दिया हो या ना दिया आपको पता नहीं चलिए भैया, वाटर कितना होता है 1.33 माइनस 1 इनटू में के, ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है भैया, ये हो गया आपकी पहली इक्वेशन। दूसरे केस में लिक्विड एक्स की बात करते हो तो फोकल लेंथ इन लिक्विड एक्स इक्वल्स टू क्या, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड एक्स माइनस 1 इनटू में के की वैल्यू वही रहेगी जो पहले थी, तो इसका फोकल लेंथ आपको निकालना है, लेंस का क्या 1.5, इसका क्या भैया 1.75 माइनस 1 इनटू में के, ठीक है भैया, ये हो गया आपकी सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कीजिए ये भैया पहली और दूसरी को, और आपके fx की वैल्यू आएगी, अगर ये fx क्या आ गया भैया पॉजिटिव आया तो इसका रेशियो ऑफ बीबी क्या है कॉन्वेक्स की रिंग है, और अगर कॉनकेव इसका रेशियो आया कॉनकेव की रिंग है, नेगेटिव आया तो इसका रेशियो क्या होगा भैया कॉनकेव की रिंग। बेटा क्लियर है सबको, क्लियर है, ठीक है भैया। कल से हम लेंस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भैया, कल से हम प्योर लेंस पढ़ेंगे, ठीक है भैया, तो प्योर लेंस पढ़ना है, लेंस के कॉम्बिनेशन वगैरह क्वेश्चंस भी करने हैं एनसीईआरटी के सारे तो भैया, और संडे को टेस्ट देना है आप लोगों को, ठीक है भैया, सारे टेस्ट देंगे, ऑनलाइन लूंगा, ठीक है भैया, ऑफलाइन नहीं लूंगा टेस्ट, ठीक है भैया, संडे को आप लोग घर पे बैठ के आराम से ऑफलाइन टेस्ट देंगे, ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।